हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम फिल्टर सर्किट्स करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेक्टिफायर सर्किट्स किए थे, उनको एक बार रिकॉल करते हैं हम कि क्यों रेक्टिफायर सर्किट हम यूज करते हैं। हमें पता है कि जो भी हमारे घरों में जो सप्लाई हमें मिलती है वो एसी वोल्टेज मिलती है हमें, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए जो भी हम यूज करते हैं उनके लिए हमें डीसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। इसलिए हम क्या करते हैं कि उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर सर्किट्स यूज करते हैं। जो भी एसी अवेलेबल है हमें घरों में उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एसी वोल्टेज है। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, कि हमें इस तरह से एक कॉन्स्टेंट डीसी वोल्टेज मिले। यहां पर मान लो ये 5 वोल्ट की रिप्रेजेंटेशन है, ये टाइम पीरियड है, यहां पर वोल्टेज है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिले, मींस के एक स्टेडी स्टेट में एक डीसी हमें वोल्टेज आउटपुट मिले जिससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रन होते हैं बेसिकली। सो इसके लिए हमने क्या किया था, इसके लिए हमने रेक्टिफायर सर्किट्स यूज किए थे। दो टाइप के रेक्टिफायर सर्किट थे, वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड अनदर इज फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट हमें मिली थी, हमें इस टाइप से हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट ये हमें मिलती है, और फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट हमें कैसे मिली थी, इस तरह से। ये फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट है। तो हमने देखा था कि इसके अंदर इसकी एफिशिएंसी भी कम थी, और इसका जो रिपल फैक्टर है, रिपल फैक्टर मींस कि ये जो रिपल्स हैं, जो इसके अंदर वेरिएशंस प्रेजेंट हैं, वो अकॉर्डिंगली ज्यादा हैं। तो हमने देखा था कि जो रिपल्स हैं, जो रिपल फैक्टर है इसके लिए, वो किसके बराबर था, दैट वाज 1.21 किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर कितना था, 0.482। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था। यदि आपने रेक्टिफायर सर्किट्स नहीं किए हैं तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, उनको आप अच्छी तरह से करें ताकि आप फिल्टर सर्किट्स को प्रॉपरली समझ पाए। सो ये हमें दो आउटपुट मिलते हैं, दिस इज आउटपुट फॉर फुल वेव रेक्टिफायर और ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। ये कोई ब्लॉक डायग्राम से यदि हम इसको देखें तो यहां पर एसी इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, एसी इनपुट वोल्टेज है ये जो हमें घरों में डोमेस्टिक यूज के लिए हमें अवेलेबल है, दैट इज 220 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज एसी वोल्टेज हमें मिलती है। और मान लो ये कोई हमने फुल वेव रेक्टिफायर यहां पर लगा रखा, और यहां पर कोई लोड रेजिस्टेंस है। सो फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसकी आउटपुट हमें कैसे मिलती है, ये मैंने अभी बताया आपको कि हमें इस तरह से फुल वेव रेक्टिफायर की ये आउटपुट हमें मिलती है इस तरह से। सो ये जो आउटपुट है ये यूनिडायरेक्शनल आउटपुट है, मींस कि इनपुट हमने कैसे अप्लाई की थी, ये इनपुट थी जिसको हम क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल इनपुट कहते हैं, बाई डायरेक्शनल वोल्टेज है ये, प्लस और माइनस में जो एसी वोल्टेज की रिप्रेजेंटेशन है। तो इसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर के बाद ये आउटपुट हमें मिलती है। सो इसके अंदर भी यहां पर ये वेरिएशंस हैं जिनको हम कहते हैं कि ये एसी कंपोनेंट भी मिक्स हैं इसके अंदर। तो ये हमें प्योर डीसी नहीं मिलती, ये हमें एसी प्लस डीसी दोनों वोल्टेजेस मिक्स हैं इसके अंदर। और रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, डीसी वोल्टेज है। सो ये जितने भी रिपल्स हैं इनको रिमूव करने के लिए हम फिल्टर सर्किट्स का यूज करते हैं। फिल्टर सर्किट्स आर यूज्ड टू रिमूव द रिपल्स फ्रॉम द रेक्टिफायर आउटपुट। जो भी रेक्टिफायर की आउटपुट हमें मिली है, इन रिपल्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर सर्किट्स को यूज करते हैं। सो हम यहां पर कोई ऐसा कंपोनेंट यूज करें जो इस एसी को यहां पर खत्म कर दे, और आउटपुट में हमें यहां पर क्या मिले, सिर्फ हमें डीसी वोल्टेज मिले जो भी रिक्वायर्ड है। सो हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो लोड है इससे पहले यहां पर एक फिल्टर सर्किट यहां पर हम यूज करेंगे। सो यहां पर हमें क्या मिलता है, एसी प्लस डीसी मिलती है यहां पर, और इस फिल्टर सर्किट के बाद हमें क्या मिलेगी,
डीसी मिलेगी। तो ये जो भी रिपल्स हैं डीसी के अंदर, उन रिपल्स को खत्म कर देता है फिल्टर सर्किट। तो इसलिए हम फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। अब है कि इसके लिए हम कौन से कंपोनेंट यूज करते हैं जो एज ए हमारे फिल्टर का काम करते हैं। तो इसके लिए हम दो कंपोनेंट यूज करते हैं, वन इज कैपेसिटर एंड अनदर इज इंडक्टर। कैपेसिटर और इंडक्टर हम इसके लिए यूज करते हैं। ये दो कंपोनेंट हम यूज क्यों करते हैं, हमें पता है कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या है कि इट पासेस द एसी एंड ब्लॉक्स द डीसी, और इंडक्टर की प्रॉपर्टी इससे उल्टी है, इट पासेस द डीसी वोल्टेज एंड ब्लॉक्स द एसी वोल्टेज। मींस कि जो भी एसी के अंदर, जो भी करंट के अंदर वेरिएशंस हैं, उनको प्रिवेंट करता है, उनको रोकता है बेसिकली इंडक्टर। सो इन दो कंपोनेंट का यूज करके हम फिल्टर सर्किट डिजाइन करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली यदि हम देखें कि इन दो कंपोनेंट को यूज करके फिल्टर्स की कितनी टाइप्स होंगी, तो इनकी टाइप्स देखते हैं हम। सो जो टाइप्स है फिल्टर की, टाइप्स ऑफ द फिल्टर, इन दोनों कंपोनेंट को हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम कैपेसिटर को यूज करेंगे सिर्फ, तो उसको हम कहेंगे कैपेसिटर फिल्टर, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर फिल्टर। इसके बाद हम इंडक्टर यूज करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज इंडक्टर फिल्टर। इसके बाद चोक इनपुट फिल्टर हम कह सकते हैं, जिसमें हम इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों को हम यूज करेंगे। और फिर इसी तरह का कोई कॉम्बिनेशन हम यूज करके पाई फिल्टर कह सकते हैं, पाई फिल्टर एंड देन टी फिल्टर। तो इन दोनों कंपोनेंट को यूज करके ये सारे फिल्टर हम बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटर फिल्टर करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। यदि आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है, कोई भी डाउट है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स।